बिहार के वैशाली के दियारा इलाके में रविवार को दो गुटों में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या की पुष्टि वैशाली के एसपी ने की है। हालांकि अभी एक ही व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि दो लोगों को मारकर उनके शव को नदी में फेंक दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना को लेकर इलाके में तनाव फैला हुआ है। सूत्रों की माने तो इस घटना में दोनों पक्षों के बीच 150 राउंड गोलियां चली है। घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे की है, जहां दो पक्षों ने अंधाधुंध फायरिंग की। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ घायल लापता हैं। पुलिस को मृतकों के शवों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव में दो गुटों के बीच पंचायत चल रही थी। पंचायत के बाद जब लोग पटना लौट रहे थे, तो उसी दौरान एक गुट लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ वहां हथियारों से लैस होकर पहुंच गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि फायरिंग में एक व्यक्ति के मरने से लोगों में गुस्सा फैल गया और दोनों ही गुटों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में डेरा डाला हुआ है। वहीं इलाके में काफी तनाव फैला हुआ है। न्यूज़ डेस्क।